दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा ने चलाने देने की साजिश रखते हुए 22 फरवरी को दो अज्ञात बदमाशों द्वारा प्रोच गांधी कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय मनीष की हत्या की साजिश रचने वाले दो आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन मनीष की हत्या करने वाले शूटर आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों के पकड़े जाने से जल्दी ही शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गत 22 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक्सयूवी में सवार एक व्यक्ति को गोली मार दी है, जिसकी पहचान फिरोज गांधी निवासी 25 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस ने इस पूरी घटना की साजिश रचने वाले योगेंद्र और उर्फ संजय पांचाल को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसीपी ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी रंजिश ऑटो यूनियन को लेकर थी। उन्हें डर था कि मनीष कहीं उसकी हत्या न कर दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मनीष को ही अपने रास्ते से हटा दिया। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से लियाकत अली की रिपोर्ट। मर्डर केस सोल्व किया है, कब की ये घटना थी, कितने आरोपी आज इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? ये दिनांक 22/2/2021 को फिरोज गांधी कॉलोनी में एक मनीष नाम का लड़का जो थ्री व्हीलर चलाने का काम करता था, वो अपने फादर के साथ आया था बिनोला वगैरह खरीदने के लिए, और फिर उसने अपने एक दोस्त शिवजीत की गाड़ी लेके और वो उसके लिए जो ही चला तो उस पर फायरिंग कर दी गई और उसकी हुई मौके पर ही डेथ हो गई, जिसके संबंध में हमने केस दर्ज करके 302 के तहत और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और उसमें हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए इसका जो मुख्य आरोपी था जिसने ये सारी साजिश रच के ये मर्डर कराया, वो ये हमने संजय पांचाल जो है उसको और एक उसका साथी है योगेश उर्फ योगी, दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उनसे जब हमने पूछताछ की है तो पूछताछ में पता चला है कि इनकी आपस में थ्री व्हीलर की प्रधानगी को लेके कोई आपस में रंजिश थी और उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए इसने भाड़े के शूटर हायर करके और ये मर्डर कराया। हमने इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जो उसमें बाकी जो लोग शामिल थे उन पे भी हम त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे, और आज इनका दो दिन का हमने पुलिस रिमांड इसका हासिल किया है और उससे आगामी पूछताछ करके उसके संबंध में जो भी और जांच है वो की जाए। सर, कितने लोग इन्होंने हायर की थी इस हत्या को अंजाम देने के लिए, कितने भाड़े के शूटर थे और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे? अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी नाजुक दौर में चल रही है, उसको अभी से सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनकी संख्या 3 से 4 रही थी और उसको हम अच्छे से पूछताछ करके और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर। मनीष की हत्या करने आए थे या शिवजीत की करने आए थे और गलती से मनीष की हो गई? नहीं, ये टारगेट शिवजीत और मनीष दोनों को करके आए थे, क्योंकि शिवजीत इनका मेन टारगेट था, लेकिन इनका ये था कि भी मनीष भी उसके साथ रहता है और ये भी उनके रास्ते में अड़चन बनना था, तो इनका टारगेट ये था, लेकिन इनका मेन टारगेट शिवजीत भी था। असल जो दुश्मनी थी वो शिवजीत के साथ थी और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इनको इस तरह का अंदेशा था कि संजय पांचाल का जो कहना है कि भाई अगर मैं उसका मर्डर नहीं कराता तो वो मेरा मर्डर करवा सकता था, इस तरह का अंदेशा इनके दिमाग में था, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया।